भैया सम्मान मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला आपसे बात हो गई ना दादा। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव में किसका पड़ना भारी है पैरों में? अरे कहाँ लगता लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई तो बता सकते हो ना किसके किसके बीच में है? मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं है भैया। क्या नाम हुआ? संजय कुमार सुमन। सुमन जी चुनाव का माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। किसका बड़ा भारी है? कुमार जय मंगल सिंह। कुमार जय मंगल कांग्रेस। और दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पर बीजेपी होता है। बीजेपी मतलब पाड़े और जय मंगल। जय मंगल भैया। हाँ दादा क्या नाम है? आप बोलो बोलो। चुनाव में किसका माहौल है? हाँ चुनाव में किसका माहौल है? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को ठीक है। क्या लगता है? आज आप नहीं बोले कोई बात नहीं। यहाँ पर भी सहमति की रखी हुई है। क्या नाम है? कुंती देवी। कुंती देवी चुनाव में क्या लगता है? कौन जीतेगा? वो नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बाजार में ट्रायल हो गए तो दाल खा गई है। इसको दाल में लगा के खाया जाता है। और एक और है कुमड़ा, ये भी 5 रुपया करती है। इसके पत्ते की चटनी और सब्जी। ये दाल दाल हो तो संग ले। और इसका क्या बनता है? खुल्ला करते होता है इसका होती है ठीक है। तो ये यहाँ पे झारखंड भैया काम हो रहा चुनाव का ना बोले काम हो रहा चुनाव का भैया। चुनाव में कौन जीतेगा बेरमो से? ये तो हम नहीं कह सकते, हम बिहार के हैं। बिहार के हैं कोई बात नहीं। हाँ नहीं आपसे बात हो गई भैया। आज ही पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ पेंशन वेंशन मिल रही है। मिल रही है। यही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए? कौन सी कहाँ लगता है यही सरकार अच्छी है या आप बदलाव चाह के भाजपा या कोई और लाना चाहते हैं? यही अच्छी है। यही अच्छी है हेमंत सोरेन। की बनाता है आए, तुम सबके फोटो ले रहा है तो कुछ तो बना जा रहा है क्या खातिर लोग फोटो ले रहा है? अरे हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं चुनाव में क्या लगता है, क्या माहौल है क्या नहीं। माहौल में क्या लोग तो साफ सब्जी बेचता है। अरे साफ सब्जी वालों को तो पीड़ा होगी ना? तो होते तो हम लोग साफ सब्जी बेचते हैं। अच्छा कौन कौन समस्या है आपको? खर्चे से होते ना कि हमने साफ सब्जी बेचे है। देखिए हम लोग का क्षेत्रीय भाषा कोठा है। शायद कोठा में पूछेंगे तो ज्यादा बढ़िया से लोग जवाब देगा आपका। कोठा में थोड़ा कमजोरी है। अच्छा आप कहाँ के रिपोर्ट? लखनऊ से। अच्छा लखनऊ से। हाँ जी। झारखंड में कोठा कुड़माली संथाली चलता है। संथाली थोड़ा हिंदी भी चलता है तो हिंदी से भी आप जवाब दे सकता है लोग, ऐसा नहीं है। चुनाव यहाँ चुनाव का माहौल यहाँ 3-4 चौतरफा समझ लीजिए। सबसे आगे कौन चल रहा है बैरमो में? देखिए बैरमो क्षेत्र से हमारे माननीय जय मंगल सिंह है। जय मंगल कांग्रेस काफी समय से है, उनका तो नाम है ही। बाकी यहाँ पे दो और भी नेता हैं, एक जयराम महतो जो है जेएलकेएम से, उनका भी नाम काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। और बाकी एक हमारे बगल के चारपाच एरिया से टुकाडी एरिया से एक तीरथला प्रकाश करके खड़ा हुए है टेम्पू छाप में, तो उनका भी थोड़ा सा बोलबाला है, वो लोकल है। और जयराम महतो का भी यहाँ पे बोलबाला है। और बाजी कौन मार सकता है? बाजी देखिए विधायक हमारे अनूप सिंह का, अनूप पुराना यहाँ पे नाता रहा है, उनका पिताजी का भी नाता रहा है, तो शायद ज्यादा चांस उन्हीं का बनता है। और बाकी हमारे एरिया से ज्यादातर चांस है आपका तीरथनाथ आकाश का भी चांस बनता है। हाँ दादा चुनाव का माहौल है क्या हम बताएंगे भैया? ठीक है झारखंड में कहाँ चल रहा है? बदलाव चाहिए यही सरकार? ये तो नहीं चाहिए भैया। ये तो नहीं चाहिए। विकल्प कौन है? महतो या बीजेपी? विकल्प कौन है? बीजेपी है। बीजेपी भैया क्या माहौल है? हमारा माहौल वहाँ चलिए वहाँ बताएंगे। चलेंगे चलेंगे। दादा क्या नाम है भैया? सुबोध सोनी। सोनी जी क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया चल रहा है। संभावना किसकी है यहाँ पे बैरमो में? संभावना सबके
नहीं, कौन आगे चल रहा है? टक्कर में दोनों। कौन कौन का टक्कर है? टक्कर है, दोनों का टक्कर है। दोनों का नहीं, दोनों में कौन? सभी दोनों। कमल कमल भैया क्या नाम हुआ? अख्तर अंसारी। अंसारी जी क्या माहौल है यहाँ? काम नहीं है, जामताड़ा विधानसभा का। अरे झारखंड से में है? झारखंड में कौन? झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सरकार। झारखंड में फिर से हेमंत, ठीक है। भैया क्या नाम हुआ? संतोष गुप्ता। गुप्ता जी क्या माहौल है? ठीक है। संभावना किसकी इस बार? बीजेपी की। बीजेपी रविंद्र पाड़े। क्या माहौल है अम्मा? लाभ वाभ मिल रहा है किसी योजना का? कौन सी? पेंशन वगैरह? नहीं, हम लोग को कुछ यही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए। नहीं, हम लोग को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, क्या चाहिए? बीजेपी। क्या चाहिए? जयराम महतो। जयराम महतो क्या चाहिए? सरकार केकरा बनाइए? केकरा बनेगा विजय कौन? जिंदाबाद जयराम महतो। जयराम महतो। आज ही की सरकार बनाओगी? जयराम महतो। देखिए एक विजय पे जयराम महतो का दबदबा। जयराम महतो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या लगता है भैया माहौल किसका है चुनाव? माहौल नया होने वाला है। बेरमो क्या नया होने वाला? नया होने वाला है, अब नया चलेगा, पुराना नहीं चलेगा यार। अरे पुराना तो दोनों है, नए का किसका मतलब? नया चलेगा अब की बार नया सरकार। बीजेपी नया बीजेपी बस बीजेपी का आपका? मरते दम तक बीजेपी को साथ देंगे। मरते दम तक ये साथ नहीं छोड़ेंगे यार। नहीं, चले मेरा बेटा बीजेपी को वोट दे रहा है। अच्छा तो नया चाहते हैं हम, कोई भी बने नया बने। बेटा आपका है तो इनका बाप क्या देगा? अरे बाप तो हम लोग हैं, बेटा बोला है तो मारते दम तक भी। और सर ये दीजिएगा तब ना हम लोग ये बिल्ली तब ना आपका लिंक पड़ेगा। भैया चुनाव का क्या माहौल है? हमसे बातचीत हो गई है। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव ठीक है। संभावना किसकी है यहाँ? अभी तो नहीं बता सकते। टक्कर किसमें है? अभी नहीं बता सकते भैया। हम लोग देखिए डुमरी विधानसभा से हैं। हम ऐसे यहाँ काम व्यवसाय कर रहे हैं फुसरो में, लेकिन इस चुनाव में बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए और हमें जुझारू नेता चाहिए, नौजवान चाहिए। नौजवान चाहिए मतलब पुराना नहीं चलेगा, जयराम महतो जैसा हो। कौन चाहिए भैया? हम लोग को सबको बदलाव चाहिए। विकल्प कौन है ना? विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया है अभी तक। चाहिए विकास हुआ है? वो युवा ही चाहिए, युवा। आज तक कोई बेरमो विकास नहीं हुआ सब नेता। मैं यहाँ का जयराम भैया। किसमें आएगा ये वाला? बेरमो के फुसरो से विशाल की रिपोर्ट।